रायगढ़ महिला बाल विकास द्वारा पॉलिटेक्निक ऑडिटोरियम में पोषण अभियान अंतर्गत राष्ट्रीय पोषण माह अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं इस कार्यक्रम का रायगढ़ विधायक प्रकाश नायक के हाथों शुभारंभ किया गया। आपको बता दें, महिला बाल विकास द्वारा चलाए जा रहे पोषण अभियान एक माह तक चलेगा, जिसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता गांव-गांव पहुंचकर कुपोषित बच्चों को सुपोषित करने का कार्य करेंगी। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा पॉलिटेक्निक ऑडिटोरियम में पोषण अभियान अंतर्गत राष्ट्रीय पोषण माह अभियान कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में रायगढ़ विधायक प्रकाश नायक ने 1 सितंबर से 30 सितंबर तक आयोजित होने वाले राष्ट्रीय पोषण माह अभियान का शुभारंभ किया। वहीं विधायक ने कहा कि जिले में कुपोषण के चक्र को तोड़ने के लिए पोषण अभियान को सार्थक बनाना है। उन्होंने कहा कि अधिकतर जन्म लेने वाले बच्चे कुपोषित होते हैं, उनको इस अभियान के माध्यम से चिन्हांकन करके आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं के द्वारा हर घर तक पहुंचकर बच्चों को कुपोषित से सुपोषित करने का सार्थक प्रयास करना है। उन्होंने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं को कहा कि उनकी सक्रियता और सहभागिता से यह कार्य निश्चित ही आयाम तक पहुंचेगा और जिले के कुपोषित बच्चों को सुपोषित करने में सफल होंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि इस अभियान में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की महती भूमिका रहती है। उन्होंने सभी को पोषण अभियान में सहयोग प्रदान करने के लिए शपथ दिलाई, जिसमें संदेश दिया गया, सही पोषण देश रोशन। कार्यक्रम में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद नामक 2 मिनट का डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी दिखाया गया। वहीं कलेक्टर यशवंत कुमार ने कहा कि शासन की मंशा है कि जन जागरूकता अभियान के माध्यम से एक माह तक आयोजित पोषण अभियान में कुपोषण दूर करने का सार्थक प्रयास किया जाएगा। सभी जन सामान्य एवं महिलाओं को भी सहयोग प्रदान करने का आग्रह किया। उन्होंने उम्मीद जताई है कि इस दिशा में सभी के सहयोग से जिले के आंगनबाड़ी केंद्रों में एक माह तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करके बच्चों में कुपोषण को दूर करना है। साथ ही कलेक्टर ने सभी आंगनबाड़ी पर्यवेक्षकों कार्यकर्ताओं को कुपोषण को दूर करने के लिए जन जागरूकता लाने के लिए भी कहा। साथ ही आंगनबाड़ी केंद्रों में वजन चार्ट का नियमित परीक्षण करके अति गंभीर कुपोषित बच्चों का सही चिन्हांकन करके उसके खान पान पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। साथ ही बच्चे के माताओं को कुपोषण, एनीमिया, हीमोग्लोबिन की कमी के लक्षणों के बारे में जानकारी देने के निर्देश भी दिए, ताकि ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं सही समय पर अपना उचित इलाज करा सके। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग एवं महिला बाल विकास विभाग को बच्चे एवं महिलाओं के लिए स्वास्थ्य शिविर आयोजित करने के लिए कहा। साथ ही माताओं को गर्भावस्था के दौरान पौष्टिक खान पान के बारे में विशेष जानकारी देने के निर्देश दिए। वहीं महिला बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी पी के जाटवर ने कहा कि जिले के विकास खंड एवं ग्राम पंचायतों के आंगनबाड़ी केंद्रों में एक माह तक पोषण अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि शासन की मंशा है कि 2022 तक सभी बच्चों को कुपोषण से दूर करना है। साथ ही 15 वर्ष से 45 वर्ष की महिलाओं की शरीर में होने वाली रक्त की कमी को दूर करने का सार्थक प्रयास करना है। कुपोषण की चक्र तोड़ने के लिए आज पोषण माह का अभियान शुरू किया गया है और इस अवसर पर पूरे जिले के आंगनबाड़ी सहायिका कार्यकर्ता सब यहाँ उपस्थित थे और महिला बाल विकास के सभी अधिकारी यहाँ उपस्थित थे और ये अभियान पूरे एक माह चलेगा और इस संबंध में आज विस्तार से कलेक्टर साहब और जिला महिला बाल विकास अधिकारी बताए हैं। ये आज का कार्यक्रम रहा है। जी, जो पोषित आहार है उसको देने के लिए पर निर्देश दिया गया है और यहाँ पर जो स्टॉल लगा है वो तो देसी या जतीजा के उपरोक्त में जो महिला बनाए हैं वो है। आज हमारे जिले में पोषण माह की शुरुआत की गई है और अच्छे तरीके से इसका शुरुआत की गई है। इसमें हमारे सब जनप्रतिनिधि उपस्थित थे, हमारे विभाग के सभी अधिकारी कर्मचारी और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएँ, स्व सहायता समूह और हमने जन समुदाय को उसमें जोड़ा है। आज है ना 1 तारीख से लेकर 30 तारीख तक के हमारे यहाँ पोषण आहार माह मनाया जा रहा है। इसमें हम लोग जितनी भी पोषण आहार से संबंधित, पौष्टिकता से संबंधित जानकारी जो है वो सब जन जागरूकता फैलाने के लिए हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं और कैसे भोजन को पौष्टिक बनाया जाए और कैसे ये रेडीट्यूट का इस्तेमाल करें, बच्चे को 0 से लेकर 1000 दिन तक के उनकी देखभाल के लिए विशेष रहे ताकि बच्चा कुपोषित ना हो, और दस्त प्रबंधन, हाथ सफाई वगैरह, ये सारी चीज़ें ना पौष्टिकता से रिलेटेड है और उनको हम बताएंगे। आज विधायक महोदय के द्वारा भ्रमण किया गया था, आपके द्वारा स्टॉल लगाया गया था। जी जी, हमारे यहाँ पोषण आहार जो हमारे समूह वाले हमारी कार्यकर्ता द्वारा आज रेडीट्यूट के व्यंजन बनाए गए और उसको ही डिस्प्ले किया गया।
क्या रिव्यूज हैं उनके? ये इन लोग का ने इससे यह है कि हमारे जो पोषण आहार है, पोषण आहार से कैसे हम बच्चे जो रेडी टू ईट पैकेट देते हैं तो उसका कई लोग सोचते रहे ऐसे ही है, उसको अगर रूप चेंज कर दें तो और भी अच्छे से बच्चे लोग खाएंगे और अच्छे स्वस्थ होंगे। रायगढ़ से सुरजीत कौर की रिपोर्ट, ACN 24।